दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार, मां की उतारी गई आरती। आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, भक्तों ने पूजा कर लिया माता का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन की गई विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने गजब का उत्साह दिखाया। वाराणसी के मां अष्टभुजी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने लगाए जय माता दी के जयकारे। नवरात्र को लेकर मंदिर और रास्तों को फूलों से सजाया गया, भक्तों के दर्शन के लिए की गई विशेष सुविधाएं। नवरात्र के दूसरे दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट, दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पंचकुला में दूसरे दिन भी मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा, मां का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के चांदी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, फूलों से सजाया मां का दरबार। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भी लगा भक्तों का तांता, मां के दर्शन से पूरी होती हैं सभी मुरादें। बगहा के मदनपुर देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, घने जंगलों में छिपा मां का चमत्कारी मंदिर। नवरात्र के मौके पर भक्त की दिखी अनोखी साधना, पिछले 22 सालों से नवरात्र के 9 दिन अपने सीने पर कलश स्थापित करते हैं मां दुर्गा के भक्त अंबिका सिंह यादव। शक्तिपीठ अंबाजी में नवरात्र के दूसरे दिन लगा भक्तों का तांता, करीब 1200 साल पुराना है माता का दरबार। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। कान्हा की नगरी में राम बारात की झलक, मथुरा में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की बारात। राम की बारात में नाचते गाते नजर आए राम भक्त, बारात को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बोंगाई गांव में दुर्गा पूजा पंडाल को दी गई मोर की रूप, सेव द पीकॉक विषय को लेकर बनाया गया पंडाल। एमपी के दतिया में मां पीतांबरा मंदिर के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, विधि विधान के साथ पूजा की। प्रयागराज में नवरात्र को लेकर धूम देखी गई, कल्याणी देवी मंदिर में पूजा के लिए लगी भक्तों की कतारें। विजयवाड़ा में नवरात्र की रौनक, कनक दुर्गा मंदिर के पुजारी ने की कृष्णा नदी की आरती। पंचकुला के मनसा देवी के दरबार में पहुंचे हरियाणा के सीएम सैनी, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। चेन्नई में तमिलनाडु के राजभवन में नवरात्र गोलू 2024 उत्सव की धूम, तमिलनाडु के राज्यपाल पहुंचे। देवघर के 1530 लोगों को सरकार का तोहफा, दुर्गा पूजा के मौके पर सरकार ने लाखों रुपए का बिजली बिल माफ कर दिया। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 15 और 16 अक्टूबर को होगी मीटिंग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी, पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थी, उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए रविवार को भारत आएंगे, यहां पर उनकी द्विपक्षीय मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगी योगी सरकार, सीएम योगी ने अभियान की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नई एसआईटी गठन का आदेश। नई एसआईटी में सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे दो दो मेंबर्स, एक एफएसएसएआई अधिकारी भी होगा। तिरुपति प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, कहा मिलावट हुई है तो ये अस्वीकार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए नई एसआईटी का गठन किया जा रहा। नई एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा नई एसआईटी को राज्य एसआईटी अधिकारियों की स्वतंत्रता का प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त, 9 करोड़ 40 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र के दो दिन के दौरे पर राहुल गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सावरकर पर दिनेश गुंडूराव की टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान बोले, कौन क्या खाएगा ये इंसान खुद ही तय करेगा। मंत्री दिनेश गुंडूराव की सावरकर पर टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा, देश में हर इंसान को फ्रीडम है, जिसको जो खाना है जो खाए, जिसको नहीं खाना वो ना खाए। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर रतलाम में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। गोविंदा को मिली अस्पताल से छुट्टी, फैंस का किया शुक्रिया, व्हील चेयर पर नजर आए गोविंदा। सिरोही में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहे मौजूद। 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगा शिखर सम्मेलन, समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखने पर चर्चा। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ, उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। अलवर में पटाखों की रोक के बावजूद व्यापारी खुले आम बेच रहे पटाखे, 3 गोदाम से करीब 10 लाख के पटाखे पुलिस ने ही जब्त किए। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को मिली सबसे बड़ी खुशी, 22 साल बाद मिला उनका लाल, रेल यात्रा के दौरान बिछड़ गया था बबलू। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा, पीएम और सीएम सहायता राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दी जाएगी सहायता राशि। बरेली में पटाखों के अवैध फैक्ट्री में पुलिस का छापा, अवैध पटाखों के साथ पुलिस ने एक को अरेस्ट किया। उदयपुर के एक इलाके में खूंखार तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं, पिछले 24 घंटे में 2 बार हमला कर चुका है। बरेली में प्राथमिक स्कूल के बच्चों से शौचालय साफ करवाने का वीडियो वायरल हुआ, 2 शिक्षक निलंबित किए गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, जल्द निपटारे का भरोसा। गोरखपुर में जनता दरबार में दौरान बच्चों से मिले सीएम योगी, बच्चों को दी चॉकलेट्स। राजस्थान का देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित, गांव के लोगों में उत्साह। गुजरात के वापी में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा यात्री, कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। जालना में 16 लाख के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए, पुलिस और सर्विलांस टीम ने 108 लोगों को सौंपे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हेलीकॉप्टर से दरभंगा अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सीतामढ़ी के आसपास रहने वाले इलाके में बाढ़ का तांडव, सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई। सीतामढ़ी में जेडीयू के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान पूर्व विधायक पर भड़के, कहा बाढ़ आपदा के बीच सीओ अपने घर में आराम से सोए हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद सुनील कुमार का एक वीडियो वायरल, बाढ़ पीड़ितों के बीच फोन पर अधिकारी से जताई नाराजगी। बाढ़ की तबाही से परेशान लोगों का आरोप, सिर्फ सर्वे हो रहा है लेकिन कोई मदद तो नहीं मिल रही। राइट फ्रैंक ने जुलाई सितंबर में घरों की बिक्री 5% बढ़ने का दावा किया, देश के 8 बड़े शहरों में से केवल एनसीआर में घरों की बिक्री और कीमतों में कमी आने की बात की। दिल्ली से गोवा तक सरिया का दाम 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ने से घर बनवाना अब काफी महंगा हो गया है।
नोएडा में बुकिंग के साथ फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के नियम का बायर्स ने किया विरोध, कहा प्रोजेक्ट पूरा ना होने पर बुकिंग रकम के साथ स्टाम्प ड्यूटी की रकम भी फंसने का रहेगा खतरा। सितंबर में देश में कोयले के उत्पादन में 32% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का प्रसार करने से 150 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स के प्रमुख ने हाथ मिलाया। GSL एडु एक्सीलेंस के शिखर सम्मेलन में क्वालिटी एजुकेशन पर रहा एक्सपर्ट्स का फोकस।